ठीक है, जब एड्रेस दिया था, एक मजदूर पड़ोस में रहता था, एक मजदूर थोड़ा दूर रहता था, कह रहे दूर वाले का चलेगा नहीं है। तो हमने कहा मजदूर तो है ना, तुम्हें चाहिए प्रूफ चाहिए ना, ये मजदूरी करता नहीं करता। फिर उसके बाद मतलब सारी बात हो गया, उसके बाद फिर उसका कह रहे ठीक है आप जाओ। फिर मतलब जनवरी में अपने किया हो, हम मिला जुलाई में मिला उनका, लेकिन पैसा मिला इकट्ठे मिला, वो इक्कीस हजार रुपये उनका बैंक में आ गया, 21,000 रुपये उसके बैंक में आ गया। इतना खुश हो गया, तो मतलब उनके घर में लेटर आ गया, सब वो मेरे इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, फिर मेरे को मेरे पास लेके आया। फिर मैंने बताया हाँ ये आपके 21,000 रुपये आया हुआ है, और मतलब अभी दो चार दिन में आपका मतलब खाते में तो आ जाएंगे। फिर उसका उसने जाकर निकाला, उसने क्या नाम था उस मजदूर का, उसका नाम था भगवान सिंह। भगवान सिंह कहाँ का, शास्त्रीनगर का। फिर उसका बाद फिर उसने मेरे को घर में मिठाई का डब्बा वगैरह भी ला के दिया, इतना खुश हो गया। फिर कहते 18 सेक्टर में भी सबको मिठाई खिला, मैं आपको पैसा दे दूंगी, आप भिजवा देना। मैंने कहा मैं 18 सेक्टर कम जाती हूँ, कह रहे मतलब इतना खुश हो, उसको ये नहीं पता था ना इकट्ठे मिल जाएगा। तो उसका मतलब उसने कहीं उसी पैसे से मतलब किसी से उधार लिया था, उसको वो दिया, मतलब उसका काम आ गया। अभी हम मतलब हर महीने में उसका पैसा बाकी मतलब जो रह गया था वो भी आ गया, मतलब जनवरी तक उसका पैसा आ गया। मतलब उस दिन खुश है, आपने हमारे लिए इतना किया, बहुत किया आपने। इधर आ जाओ मरियम्मा, इधर आ जाओ। ये मरियम्मा है, हम लोगों ने साथ में टीडीएस में काम किया 2000 में, और उसको निर्माण मजदूर का संगठन है, उसको हमने जो है काफी जबरदस्त प्रमोट किया था, टीडीएस से जो है मैंने फंड सपोर्ट किया था। और आज हम लोग चाहते हैं कि जैसे ऐसे संगठनों को लगातार सपोर्ट मिलता रहे, पूरे देश और के दानदाता लोग जो है सपोर्ट करते रहें, देश से और विदेश से, क्योंकि जो जो दान देने वाला हाथ है वो हमेशा वो हाथ अच्छा है, उसके उस हाथ को काटने वाला वो दुर्योधन है कि नहीं? इसलिए दान देने वाले हाथ को मत काटो भाई, दान देने वाला हाथ को जब मत काटो, दान दो